स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स. सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है. लिक्वर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है. भगाना होगा. अगर धरती को साफ करना है तो बारिश आने जरूरी है, और अगर समाज को अच्छा रखना है तो तुम जैसे दुष्ट लोगों का सफाया करना पड़ेगा. तुम लोगों का सफाया करने तक मेरी इस गन को नो रेस्ट. सर थोड़ी सर. मार दिया ना सर. रख कर क्या करते, छोड़ोगे तो रेप, मर्डर, हफ्ता, पब्लिक को परेशानी और पुलिस को भी सरदर्द. अरेस्ट किया तो केस, कोर्ट, जेल, फ्री का खाना, फ्री का रहना, फ्री का पानी, मेडिसिन, दाढ़ी के लिए ब्लेड, 14 साल के लिए फुल सिक्योरिटी. अच्छे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी करने के लिए काम नहीं है, उसमें हमें ऐसे क्रिमिनल की जरूरत है क्या? करेक्ट सर, लेकिन एनकाउंटर है, ऐसा पता चला तो ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी. इस देश में किसे प्रॉब्लम नहीं है? ट्रैफिक जाम हुआ तो बोलते हैं रोड छोटी है, रोड बड़ी करने जाओ तो बोलते हैं पेड़ों को मत काटो, कुत्ते को पकड़ने जाओ तो एनिमल राइट्स बोलते हैं, गाय, बकरी, मुर्गी सबको काट काट कर शहर के हर कोने में फेंक कर बिरयानी खाया जाता है. इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाकर हिंदी बचाओ का आंदोलन रचाते हैं. ऐसे लोगों को मैं जवाब देना पसंद नहीं करता. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. अटैक किया, एनकाउंटर हो गया, यही FIR में लिखना. ओके सर. अंडरस्टैंड? ओके सर. डू दैट. क्या रे? खाने के लिए क्या है? मेरी लाश रखी, आके खा ले. ठीक है, उसके लिए मसाला पीस के रखो, खा लूंगा. इसका नाम है बसवा, पागल बसवा. तेरी जात का पैदा मारूं? क्या बोला तूने रे? माँ और बेटे के रिश्ते का नाम सुनते ही आपको कौशल्या और राम याद आते होंगे, पर ये लोग बहुत ही अलग हैं. ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं ये आप जरूर सोच रहे होंगे, जिसका कारण यहाँ देखिए. क्या है, तुम अपनी TRP के लिए हलों की भले चढ़ा रहे हो ना? और कितना फुटेज निकालोगे मेरा? हटाओ यहाँ से. ए, क्या तमाशा बना कर रखा है? पकड़ो उसे, जाओ पकड़ो, देखते क्या हो. ए मोटू, क्या लफड़ा है तेरा? सर, पहले मेरे हाथ खोलिए सर. हाथ खोलो इसका. जी सर. सर, ये चोर है सर. तू हरिश्चंद्र है क्या? इसका शरीर इतना मोटा है कि संभाल नहीं पाया और गिर गया. सर, पतला होता तो तुम्हारे हाथ आता क्या? नहीं है? लगता. ऋतिक रोशन की तरह तेजी से भाग जाता यहाँ से. एकदम सही बोले सर. हाँ छोड़, तुम्हें मारने का हक किसने दिया? मारने का हक सिर्फ पुलिस वाले का होता है सर. ऐसी बातें मत कर, मीडिया के सामने बोल रहा है तू. उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो इतनी बड़ी न्यूज बनाकर, उसका हेडलाइन बनाकर, दिखा दिखा कर हमारी हालत खराब कर देंगे, समझा? और 3 दिनों तक TV पर हमें दिखाते ही रहेंगे. कॉमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स वाले हमारी वाट लगा देंगे. उसके बाद क्या होगा पता है? मेरा डिमोशन और तेरा लूज मोशन. चाहिए क्या, बोल. हाँ, ए चोर की औलाद, चोरी ही करनी है तो ऐसी चोरी कर कि पता ना चले. फंसने वाला काम मत कर. मैं तुझे कितनी बार बोलूं रे, तू मेरी बात कब समझेगा?
सर चोरी करने गया था ये सच है सर हाँ। बस मुझे थोड़ी सी दारू चढ़ गई थी इसलिए इस ट्रंक पर गिर गया था सर। ट्रंक हो या पेट्रोल पंप हो तूने चोरी की ना सर? क्या मैंने चोरी नहीं की सर, उसने की। भगवान? नहीं सर हाँ? भुजंगा। भुजंगा फादर है, ठाकुरानी मदर है, वीरप्पन ब्रदर है हमारी फैमिली। अली बाबा फादर है, ठाकुरानी मदर है, वीरप्पन ब्रदर है हमारी फैमिली। यार तू सीख रहा मुझे भी दे यार सिखा, ऐसी चालाकियां हम प्यार से। यार मैं सीख रहा तुझे भी दो यार सिखा, ऐसी चालाकियां प्यार से। फियर हो आंखों में कशन हो, स्टेप आगे बड़ा बड़ा कर ले तू वका वका। अली बाबा फादर है, ठाकुरानी मदर है, वीरप्पन ब्रदर है हमारी फैमिली। सारी दुनिया हर गली मेरे फोटो लगे, मन मेरा बोले दारू पी के डोले, स्टेप आगे बड़ा बड़ा कर ले तू बका बका। अरे पापा फादरवा, ठाकुरानी मदरवा, फिर अपन बदरवा। इसकी फैमिली अली बाबा फादर है, ठाकुरानी मदर है, फिर अपन ब्रदर है इसकी फैमिली। द्वापर युग में श्री कृष्ण भी तो चोरों की टोली में थे रे, अपनी भी आदत है कुछ ऐसी, चोरों के संग अपनी पटे। चोरी बोरी छोड़ के तालों को तोड़ के यार कर लिया री ओ सावरे, कहती ये नारियां कर ले दिल की चोरियां, स्टेप आगे बड़ा बड़ा कर ले तू बका बका। अली बाबा फादर है, ठाकुरानी मदर है, वीरप्पन ब्रदर है हमारी फैमिली। अली बाबा फादर है, ठाकुरानी मदर है, वीरप्पन ब्रदर है हमारी फैमिली। यार मैं सीख रहा प्यार सिखा, ऐसी चालाकियां प्यार से। यार मैं सीख रहा मुझे भी दे यार सिखा, ऐसी चालाकियां प्यार से। फियरो आंखों में टशन हो, स्टेप आगे बड़ा बड़ा कर ले तू वका वका। अली बाबा फादर है, ठाकुरानी मदर है, वीरप्पन ब्रदर है हमारी फैमिली। ये लोग तो यहाँ पर ऐसे लड़ रहे हैं जैसे राजनीति में असेंबली में लड़ते हैं। ए, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ क्या हो रहा है? तेरी तो चल बजा ढोल, चल शुरू हो जा। अरे बजा ढोल, ठीक है, और जोर से बजाना, समझा? कमीने की औलाद, तेरे लिए मैं यहाँ पर इससे झगड़ा कर रही हूँ और तू यहाँ पर दागिना दिन नाच रहा है। तू छोड़ूंगी नहीं मैं।
मारो इसे, मारो। अरे क्या बक रही है, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मारे जा रही हो, मारे जा रही हो, क्यों मारे जा रही हो? अब सबको माँ की इज्जत देता हूँ तो ये कर रही हो मेरे साथ? पापड़ की तरह बेल रहे हो मुझे? काट दूंगा सबको। अरे नहीं नहीं बेटा, वो मोटा है ना, चोरी करने गया था, वहाँ फंस गया और पुलिस के मार खा कर आ गया। वो अभी वो घर में सो रहा है और उसके मार खाने की वजह तू है, ऐसा ये कमीनी बोल रही है। कमीनी कहीं की? ठीक नहीं होगा, मैं बोलूंगी, एक नहीं हजार बार बोलूंगी, तेरी बेटी की वजह से मेरा बेटा बिगड़ा है, बिगड़ा है, बिगड़ा है, बिगड़ा है। कान के नीचे बजाऊंगी। किचकिच बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा बेटा जो मार खा कर आया है वो मेरी वजह से नहीं है, उसने जो काम किया है उसकी वजह से। क्या कर रहे हैं आप? अबे मुंह क्या देख रहा है, चल निकल यहाँ से, चल जल्दी कर निकल। बाप रे कितना अंधेरा है। अरे अलमारी है, ये उसके लिए बहुत छोटा है, ये तो मेरी माँ के लिए। अरे ये मेरे लिए। जाने जाने ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। कहाँ चला गया? जाने चल, चल उठ यहाँ से, क्या कर रहा तू? चल अबे चलना। अरे यार बोतल फूट जाएगी आराम से। कितनी सुंदरता से, प्यार से, सुशीलता से लिपटी पड़ी है ये तो। अरे ये काम किया तुम्हारे लाडले ने। अरे अब बोल बोल ना। ससुराल में चोरी करने गया और दारू दिखी तो बैठ के पीने लग गया, तो कोई उसको छोड़ेगा क्या? अच्छा बदतमीज कहीं का, एक तो तेरा दोस्त यहाँ से लेके चोरी करने के लिए और वहाँ जाके अपना मुंह काला करा रहा है। माँ अरे मेरी बात सुनो, अरे तुम मेरी बात सुनो ना, रुक देखो रुक रुक रुक, झगड़ा मेरी बात सुनो, झगड़ा बंद करो। अरे क्या करो इस तरह झगड़ा भी कोई मानने की चीज होती है? तो बोला ना, शांत हो जाओ, कितनी बार बोलूं तुम्हें? ए अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? क्यों नहीं मारा? ये बेचारा पहले से इतना मार खा चुका है, ऊपर से और मारे जा रही हो। अब बंद करो इस बात को। चुप हो जाओ, काना चुप हो जाओ, काना चुप हो जाओ। ये ले हाथ दिखा अपना। क्यों? अरे हाथ दिखाना, ये ले रख ले तू। मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मेरी बात सुनिए, इसके लिए जाकर मुर्गा लेकर आइए और अच्छे से मसाला वसाला डालकर इसको खिलाइए, और तू अभी मारने खाएगा मुर्गा खाएगा। सागर दया सागर, सब तरह का रेस्टोरेंट देख लिया मैंने, लेकिन इस चिकन सेंटर का मालिक कौन है? नया होटल है, बॉम्बे का मालिक है बॉस। ओ बॉम्बे से है, कर्नाटका, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला, सभी जगहों के होटल्स देख लिए हैं मैंने। वेयर इज कर्नाटका? छोड़िए ना बॉस, कलेक्शन अच्छा हो रहा है। ब्रावो। यस बॉस। तू है ब्रावो। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका के बारे में और तू बात कर रहा है कलेक्शन के बारे में। पहले कर्नाटका उसके बाद कलेक्शन। सेव द कर्नाटका। ओके सेव। सेव द बॉस। वेरी गुड। बुढ़ा मिल गया, हंगामा थ्री। वेटर। क्या लाऊं सर? बॉस के लिए दो रम, दो चिकन आइटम, दो फिश आइटम। तुम लोगों को जो चाहिए बोल दो। मेरे लिए एक फिश, मेरे लिए एक मुर्गी, चिल्ली चिकन, एक मटन बिरयानी।
दूरी के रेस्टोरेंट में जिंदा चिकन बैठी है। He is very funny, no? अब मुझे पावर दिखाना होगा। चल बेटा स्टार्ट हो जा। कौन है ये जो इतना स्टाइल मार रहा है? शिवाजी है ये, डॉन। आराम से खा। एक्सक्यूज मी, सॉरी बॉस। ओके बॉस, हैव इट। One minute, boss. No problem, boss. आप खा सकते हैं। सर बीन सर। हाँ? हाँ? भाई को बेल देता है। क्यों भाई जी, उस बेचारे से क्यों लड़ रहे हैं आप? इधर आइए। क्या हुआ सर? वो गरीब है, वेटर का काम करके जिंदगी गुजार रहा है, उसे क्यों मार रहे हैं आप? भाई को बिल देता है, ये गलत बात नहीं है क्या? क्यों भाई, खाने पीने का बिल देना गलत है क्या? ए, साइक हो जाओ। मैं कौन हूँ तुझे पता है बुड्ढा? नहीं सर। पता ना चले तो ही ठीक है। क्यों सर? क्यों? अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम जहाँ खड़े हो वहीं टॉयलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटी हो जाएगी। इसीलिए चुपचाप बैठा रहा बुड्ढा। चलो रे, पेमेंट दे के जाइए सर। तेरी तो ओए शिवाजी, कहा मैंने? शिवाजी नाम है मेरा। मेरा नाम सुनते ही औरतों को एबॉर्शन हो जाता है, बच्चों को पोटी हो जाती है, और जिसे पोटी नहीं आती उसे दस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? दस्त। समझा बुड्ढे? तेरी तो। और समझाऊं या समझ गया? ठरकी बुड्ढे कहीं का? मुझे जसन ले रहा था बुड्ढा कहीं का। बच्चा, बड़ा बच्चा। ठीक है भाई, नाम सुनते ही आदमी अपनी मर्दानगी भूल जाता है, समझ गया ना? ए, तेरी गिदड़ भक्की से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बिल देके जा वरना काट डालूंगा, समझा? ठीक है भाई, ए, जल्दी पैसे दे रे, तू भी दे, जल्दी कर। ये लीजिए भाई, लीजिए पूरे पैसे हैं। बाकी के पैसे? बाकी के? आपका एरिया कहाँ तक है? क्या मतलब? वहीं आकर आपके बाकी के पैसे दे दूंगा। दोबारा इस इलाके में मत आना, चल निकल यहाँ से फट। पूरी इज्जत उतारी है ना? देखो ना तुम्हें। अबे रुक इधर, अंदर आकर मार मत खाना, समझा? यहीं बैठे रह तू। वजनदार सामान हुआ तो सिग्नल दे दूंगा। हाँ। हल्का हुआ तो खुद उठा कर ले आऊंगा। यार भुजी, अगर वहाँ पे दारू वारू हो तो ले आना यार, मस्त पार्टी करेंगे। चुप कर, तुझे जितनी भी मार पड़े लेकिन तुझे कभी अकल नहीं आएगी। बकवास बंद कर और चुपचाप खड़ा रहे। ठीक है भाई। Thank you.
सुपर माल है। नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ दादाजी, पर उसने मेरी चेन चुरा ली। चेन चुराने दो, तेरे दादाजी इससे भी अच्छी चेन ला देंगे तेरे लिए। वो चेन मुझे बहुत पसंद है दादी माँ। चलिए दादाजी, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। इतनी सी बात के लिए पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो बेटी? छोड़ दो, जाने दो, मैं दूसरी चेन ले आऊंगा। नहीं, मुझे वो चेन चाहिए। आप आओ या नहीं, कल मैं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। क्या बात है, आज कॉलेज जाने की बजाय पुलिस स्टेशन आ गई। कोई खास काम है क्या, या किसी ने छेड़ा है? कोई पीछा कर रहा है क्या, या किसी ने धक्का मार दिया? आहा, शर्ट छोड़कर गायब हो गया, मतलब ये रेप केस है। सर, अगर उसने मुझे छुआ होता तो ये शर्ट मेरे पास नहीं होता। तो फिर उसकी डेड बॉडी लेकर आती। हे भगवान, ये आजकल की लड़की है ना। रात के समय एक चोर आकर इसके घर से चैन चुरा कर ले गया। इसने इसको पकड़ा भी था। वो तो शर्ट खोलकर भाग गया। आप पकड़िए उसे, जेल में डालिए। मेरी चेन ढूंढ दीजिए ना सर। ओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओ, तो ये कमीना है। ये बताओ, मैं शर्ट देखकर चोर पकड़ लूं, मैं जेम्स बॉन्ड हूं या शक्तिमान हूं? हां, उसकी फोटो दे दो, इलेक्शन के बाद देख लूंगा। फोटो लाने के लिए क्या वो इसका आशिक है सर? हाँ, चोर है वो सर, चोर। हाँ, हाँ। सर, हाँ। वो लंबा मोटा जंगल के भालू की तरह था सर। अरे मैडम, रात में सारे लोग भालू की तरह ही दिखते हैं। फेस कैसा था बताओ? फेस सर, क्या हुआ? सर, इधर देखिए सर, यही है वो चोर। कौन है? ये वाला। ये है? हाँ हाँ, यही है। कंफर्म हो ना? सर, 100% कंफर्म। बैड लक। क्यों सर? वो चला गया ना। चला गया? ऊपर गया। ओ, फ्लाइट में? अरे अर्थी पर गया। हाँ, कल स्कूटर एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ। कब सर? तुम्हारी चेन चुरा कर आ रहा था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको कैसे पता? अभी तुमने ही तो बताया ना। अरे रे बेचारा, जाने दे यार। मेरी चेन का क्या? तुम्हारी चेन चस्का मस्का, 50-50। अब जब वो ही नहीं रहा तो तुझे चेन कहाँ से मिलेगी? चल हम चलते हैं। आहा, किस स्कूल में हो? नहीं, कॉलेज में हूँ। सही कहा तुमने। ठीक है सर। एक मिनट रुको, अब तुम लोग आ ही गई हो। बेचारा किसका बेटा होगा पता नहीं, वो तो मर गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रख लेते हैं। सर, वो लोग तो चले गए। यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। चोर! यही है वो। रुक जाओ, भाग मत। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, पकड़ लिया सर। सर, जल्दी आइए सर। सर, यही है वो चोर, इसी ने चुराई थी मेरी चेन। मैं इसे कैसे पकड़ लूं मैडम, ये वो सर, नहीं है। ये वही है, वही है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। सर, ये वही है, वही है, वही है। ये वो नहीं है, ये उसका भाई है। क्या भाई? सर, ये देखने में बिल्कुल ऐसा ही है ना? एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के जेरोक्स है, मतलब कि ये जुड़वा भाई है उसका। एक पर एक फ्री। ए, अब एक ही बचा है ना, मतलब एक पर एक ही मिलेगा। देखो बेचारे को, भाई के मरने के गम में कैसा सूख गया है बेचारा। ओ, सॉरी, मुझे लगा वही है। सॉरी। इट्स ओके। अगर मेरी चेन मिलेगी तो आप मुझे लौटा देंगे ना? चाहे तो मैं पैसे दे दूंगी उसके। हाँ,
ठीक है। नमस्कार मैडम। चलो चले। पूरी महिला मंडल ही आ गई थी पुलिस स्टेशन में। हेलो हेलो, उधर देखकर क्या मुस्कुरा रहा है तू? हाँ, तुझे बचाने के चक्कर में कितना झूठ बोलना पड़ा पता है? चैन निकाल। हाडिये मेरा अब तो हो गया है तेरा, तेरी ही धुन में पागल हो गया है जाने जा। फीलिंग है ये कैसी, दिल के संग झूमू नाचू, मेरी ना सुने है ये, इसमें बसी तू ही तू। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। हाडिये मेरा अब तो हो गया है तेरा, तेरी ही धुन में पागल हो गया है जाने जा। होश नहीं है मुझे, तेरे ही ख्वाबों में रहूं, कोई तो मुझे संभालो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलता हूँ टेशन में किसी लड़की को जो देखूं, भूल जाता हूँ सब कुछ, याद मुझे आए तू। धरती अंबर दिल उड़ रहा हवा में, ये ना माने मिल तू मुझे आके। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। यारो जब मिलूंगा उसे, काला कोट में तो पहनू, रेशम की साड़ी में वो ऐसे शर्माए क्यों। बीड़ी का जो धुआं उड़ाऊ, सामने वो आ जाए, बोले बीड़ी ना तू पीरे, तब से छोड़ दी रे। झूमे प्यार से दिल ये मेरा, तब से बस में मेरे है ना ये, कब से। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। हाडिये मेरा अब तो हो गया है तेरा, तेरी ही धुन में पागल हो गया है जाने जा। फीलिंग है ये कैसी, दिल के संग झूमू नाचू, मेरी ना सुने है ये, इसमें बसी तू ही तू। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। उधर भी दो। अरे इस उम्र में खेती बाड़ी करने की क्या जरूरत है, बोलता हूँ मेरे साथ आराम से रहिए तो सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, देखिए सास ससुर दूर रहे तो ही अच्छा होता है।
बच्चे पास में होने चाहिए, यही नीति है, ऐसे ही प्यार बना रहता है। सुना है कल कोई चोर आया था, उसका हुलिया बताएंगे ऐसा बोल रहे थे आप, और जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढ कर उसका हाथ पैर तोड़ कर किसी लायक नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। एक गरीब बाप क्यों ना हो, उसे अपनी बेटी की इज्जत तो प्यारी होगी ही ना। चोर तो सिर्फ चेन चुरा कर ही ले गया ना, ले जाने दो, अगर बेटी को कुछ हो जाता तो क्या करते, तुम ही बताओ। इसीलिए आपको बुलाया है, अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जाइए और उसका ध्यान रखिए। मुझे मत भेजिए नाना जी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज नाना जी प्लीज। ऐसा नहीं बोलते बेटी, नहीं। देखो सास से बड़ी दुश्मन नहीं होती और बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता बेटी। बेटियां तो जवान होने तक माँ बाप के घर और उसके बाद अपने पति के घर रहती है बेटी। हम लोग क्या पराए हैं बेटी, हम लोग भी तुम्हारे ही हैं। भले ही तुम हम लोगों के साथ बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन तुम हम सबकी जान हो बेटी। साथ खेलने के लिए भाई बहन है, खाना खिलाने के लिए माँ जैसी चाची है, प्यार करने के लिए दादी माँ है। हम सब तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे बेटी, हमारे साथ चलो। यहाँ रहो या वहाँ रहो क्या फर्क पड़ता है, अगर सिर्फ कॉलेज की ही बात है तो मैं तुम्हें रोज कॉलेज से ले आया करूँगा। सही बोल रहे हैं बेटी, देखो अपने बाप का दिल मत दुखाओ बेटी, जाओ हाथ मुँह धोकर जाने के लिए तैयार हो जाओ बेटी। महादेवी सुशीला गौरी, मेरी पोती आ रही है, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। इस संदीप को दिखाई नहीं देता पर कान बहुत तेज है इसके, जो नहीं सुना वो भी सुन लेती है। ए, इधर आओ, जाओ सारा सामान निकाल के रखो। ये तो तुम्हारी पोती आई है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दीदी आ गई, दीदी आ गई। अंदर चलो। इतने दिन तक आप कहाँ थी, आप पहले क्यों नहीं आए दीदी? अब आप हमारे साथ रहोगी ना? रचना, रचना, रचना बेटी तू ठीक तो है ना? ये सब ऊपर वाले की देन है, यहाँ पर सब कुछ है लेकिन कुछ ना कुछ कम ही लगता था। अब तू आ गई है ना तो मेरा परिवार पूरा हो गया। चल चल अंदर आ। ए, मेरी पोती के लिए आरती लेकर आओ, जल्दी आओ। चल बेटा आ, अंदर आ, आजा। दाहिना पैर आगे करके सीधा अंदर आ जाओ बेटी। बॉस इतना तेज क्यों चला रहे हो? ए, 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 कैच है भाई कैच, वो आगे देख, वो जो बस जा रही है ना उसमें मेरी महबूबा जा रही है, आज तो कुछ भी करके उसे मैं पकड़ कर ही रहूंगा, इसीलिए तो मैं ये गाड़ी स्पीड से चला रहा हूँ। कमान 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 कमान, मिल गई मिल गई। तुमने बुलाया ही नहीं, फोन नंबर भी तो नहीं लिया, आपने मांगा ही नहीं। आई एम वेरी वेरी सॉरी, साला बदतमीज कहेगा रोबो, मैंने उस दिन बोला था कि इसका नंबर ले ले, लेकिन तूने उस दिन नंबर नहीं लिया। ओके, टेक माय लवली स्वीट किस। यार उसने मेरा किस कहां संभाल कर रखा, देख तो। अरे मेरा पर्स, चोर 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 चोर। अरे मैंने तो सिर्फ इसे फॉलो किया था, फिर ये लोग चोर चोर क्यों चिल्ला रहे हैं? ये देखो, ये पकड़ो इसे, ये चोर 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 मुझे, वो भाग गया। ओके मैं उस चोर को जाकर पकड़ता हूँ। अरे कहते जोर से दौड़ो ना, पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी। अरे रुक जा रहे, अरे बाप रे, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अरे बाप, भाग रहे भाग, नदी में छलांग लगा। अरे चोर की औलाद, तुझे मेरी लवर का पर्स चुराने के लिए मिला था क्या? अरे एक डॉन को, एक डॉन को 2 किलोमीटर दौड़ा कर मार दिया।
मेरी जान से उतार दे रहे चोर के औलाद है। मारो इसे, मारो मारो इसे, छोड़ना मत चोर के औलाद को, मारो सब लोग मारो। मैंने चोर को मारने के लिए कहा था, तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो रे नालायको, उसे मारो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। बात सिर्फ इतनी छोटी सी है गुरु कि हम सब एक ही गैंग के गैंग के हो। एक चोरी करता है और बाकी सब उसे पकड़ने की एक्टिंग करते हैं। अगर गलती से भी तुम्हारे जैसा कोई आ गया तो उसके बाद गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है, दारू पे रखी है क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, मेरी आंखों के सामने बस वो छाई हुई है, नजरों में छाई हुई है। वो महल है और तू झोपड़पट्टी, वो हाई क्लास है और तू लो क्लास। ओए उसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है, चुपचाप गाड़ी चला। मुझे वही लड़की चाहिए भाई, बस यही ख्वाहिश है। चाहिए चाहिए बोलने से वो मिल जाएगी क्या? चाचा जी, कोई भी तेरी आगे पीछे आए तो उसका थोपड़ा मत देखना, मार डालना उसे, बाकी मैं देख लूंगा। मतलब ए, क्या कर रहे हो? कोई तो कुसुर पुसुर कर रहा है, कहीं चोर वोर तो नहीं घुस गया? देखो कौन, तुम्हारी माँ को दिखाई नहीं देता लेकिन रात के समय चिल्लाती रहती है। चोर वोर कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ माँ। आपको नींद नहीं आती तो दूसरों की नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे बगल में तेरी बीवी हो तो तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कौन सी सायरन है जो ऐसे बज रही है? वो मेरी दादी है। क्या दादी है, बैटरी जल चुकी है मगर बॉक्स में अभी भी पावर है। अजय सुनिए तो, क्या है? सासू माँ कुछ बोल रही है, जाकर देखिए ना। जाइए, अरे जाकर देखिए तो सही। अरे वो सब छोड़ो तुम, मैंने तुम्हें चेन ला कर दी, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। अब अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें ये चेन कहाँ से मिली? क्या है? अरे पापा, दरवाजा खोलो बेटी। ऐसे क्यों बैठी हो बेटी, नींद नहीं आ रही है क्या? वो दादी माँ चिल्ला रही थी ना, इसीलिए। ये तो रोज का ड्रामा है, रोज रोज चिल्लाती रहती है। अगर उसके चिल्लाने पर हमने उठकर नहीं देखा तो पूरी रात खराब कर देती है। हे भगवान, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, खिड़की मत खोला करो। चुपचाप सो जाओ बेटी। हाँ थैंक गॉड। हाँ हाँ
मैं। तुम पागल हो क्या? हो गया हूँ मैं। काली काली आधी रात में, अमावस्या की रात को, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सोते समय सुंदर आप जो लग रही थी, उस समय जब मैंने आपको देखा था, तब से मैं पागल, मेंटल, पता नहीं क्या क्या हो चुका हूँ। वो तो तुम मेरी चेन वापस लेकर आए, इसलिए थोड़ी फ्रेंडली बातें कर ली, तुमने किसे कर दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे वो हिम्मत नहीं है मैडम, प्यार है। क्या? मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ, उस दिन तुम्हारे घर आकर मैंने ही चेन चुराई थी, लेकिन आपने तो मेरा ही दिल चुरा लिया। एक मिनट, उस दिन तुमने मेरी चेन चुराई थी? कोई डाउट है क्या? मतलब तुम्हारा भाई वाई नहीं है? वो एसआई की फेंकी हुई कलरफुल कहानी थी, ना मेरा कोई छोटा भाई है और ना ही मेरा कोई भैया, मैं इकलौती औलाद हूँ। मतलब तुम चोर हो? अरे उसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है, इस धरती पर किसने चोरी नहीं की है बताओ? पॉलिटिशियन नहीं करते हैं क्या? पुलिस वाले नहीं चुराते हैं क्या? बिजनेसमैन नहीं चुराते हैं क्या? बीवी अपने पति से नहीं चुराती है क्या? या बच्चे अपने घर में चोरी नहीं करते? इसी तरह मैं भी अपने पापी पेट को भरने के लिए चोरी करता हूँ। तो चोरी करना अच्छा काम है? तो तुम चोर नहीं हो क्या? मैंने क्या चुराया? मेरे दिल को। थू? तुम कोई ऋतिक रोशन या शाहरुख खान हो जो मैं तुम्हारा दिल चुराऊंगी? तुम सब लड़के ऐसी होती हो, बस पैसा, बंगला, गाड़ी, कपड़ा, सूट, बूट, फेसबुक, ये सब अच्छी तरह से दिखती हो, लेकिन हम जैसे लोग तो आप लोगों के लिए इंसान ही नहीं होते है ना। लेकिन एक बात जान लो तुम, ऐसे हाई फाई लोगों के लिए 100-100 लड़कियां होती हैं, हमारे लिए तुम अकेली हो। अगर एक बार दिल दे दिया तो दिल की धड़कनें रुकने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, ये सब फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो, पहले जाकर अपनी शक्ल देखो आईने में, इश्क करोगे इश्क। मेरे पास तो कोई और काम ही नहीं है। मेरे चेहरे को क्या हो गया? इसे क्यों कर रहा है? भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया इसे? इस तरह घूर कर क्या देख रही है मुझे? हाँ, ऐसे भंगार चेहरे को तूने जो पैदा किया है, मैं उसी को देख रहा था। हाँ, अच्छे आदमी से शादी की होती तो शाहरुख खान, सलमान खान या ऋतिक रोशन की तरह पैदा हो सकता था। ये बात जो है ना, जाकर अपने बाप से पूछ जो स्वर्गवासी हो गया है। नीम का पेड़ लगाओगे तो सेब थोड़ी ना उगेंगे उस पे। ओए टमटे, मेरे चेहरे में कुछ खराबी है क्या? चेहरे को क्या हुआ है भाई, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बना लो तो तुम में और सलमान खान में कोई फर्क नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर इसी बात पर शुरू हो जा। सब लोग क्रीम खाओगे ना? 5 क्रीम। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए यार, कुल्फी चाहिए। उसमें इतनी स्पेशल बात क्या है? कुल्फी बहुत पसंद है यार। ठीक है, फिर सभी लोग कुल्फी खाते हैं, ओके? 5 कुल्फी। एक क्रीम वाली। हाँ? तेरा मजनू आ गया। छी, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लगा? क्या? मेरा चेहरा? हाँ? क्या हुआ? आपने बोला इसलिए 3 लाख साबुन, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक मैं अपना चेहरा घिसता रहा। पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली खूब लगाई है मैंने, सूंघ कर देखो। ऊपर सब ठीक है। हाँ? बाकी नीचे ऊपर का गेटअप और नीचे का सेटअप। ऐसी बात है क्या? ठीक है।
कैसा लगा? बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल जेमिनी सर्कस के जोकर की तरह। अरे हम गरीब लोग जोकर ही होते हैं, तुम जैसी लड़कियों को पटाने के लिए हमें सर्कस तो करना ही पड़ता है। आपको जो बोलना है बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी आइटम मुझे देखकर हंसी ना, मुझे उसकी खुशी है। गर्मी में ठंडे पानी में नींबू की शिकाजी पीने के बराबर है तुम्हारी हंसी। इसी बात पर एक दम तो बनता है। क्या हुआ, ऐश कभी शुरू भी नहीं हुआ, उल्टी शुरू हो गई? तुम बीड़ी पीते हो? मुझे तो उसकी गंध से ही उल्टी आती है। अरे अरे रुको रुको रुको, किसी भूत ने पकड़ लिया, कोई तो बचाओ इसे। ए मंजू, संजू, ए अंजू, अरे जल्दी आ। तुझे हो क्या गया है, पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? तुझे किसी भूत ने पकड़ा क्या? अरे चुप, तू कोई भूत से कम है, और कौन सा भूत पकड़ेगा? तो फिर पेस्ट क्यों इस तरह से वेस्ट कर रहा है बोल? वेस्ट नहीं कर रहा हूँ माँ, मुँह के अंदर जो बीड़ी की गंध है उसे वॉश कर रहा हूँ। बदबू गई क्या? जरा देख तो। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके दांत, मुंह, किडनी, पेट, आंतड़ियां इत्यादि इत्यादि खराब कर सकता है, इसलिए बीड़ी सिगरेट को छोड़िए और अपनी आइटम का सुझाव मानिए। टन टन, कैसा लगा? वैसे तुम कितने अच्छे हो, तुम चोर क्यों बन गए? अरे अगर मेरा बाप अच्छा होता तो मैं क्यों चोर बनता बताओ? नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज वॉलेज करके अच्छी खासी नौकरी करके सेटल हो जाता, लेकिन उसने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। क्यों? कमाना, दिन भर पीना, रात को आकर बीबी को मारना, इन सब के बीच उसे कब टाइम मिला पता नहीं, उसने मुझे पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद ढंग से परवरिश तो करनी चाहिए ना। उसने एक दिन भी ना अपने गोद में बिठाया, ना बात की, ना प्यार किया, यहाँ तक कि मुझे एक आइसक्रीम तक नहीं दिलाई उसने। खाना, कपड़ा, स्कूल, इन सब के लिए कभी पैसा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ वो मजे से पीता था, खाता था और घर पर आकर सो जाता। तब मेरी माँ मुझे बुला करती थी, जा अपने बाप की जेब से पैसा निकाल ला, मैं भी खुशी से चुरा लिया करता था। एक दिन पता नहीं बहुत देर हो गई, मेरा बाप घर पर वापस ही नहीं आया। उसे क्या हुआ होगा ये सोचकर ढूंढने निकला, पता चला वो ज्यादा पीकर स्वर्गवासी हो गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, रोज एक पॉकेट मारने की आदत हो गई थी। उस दिन पहली बार मैंने किसी और की पॉकेट मारी। और तब से ही आदत बन चुकी है मेरी। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे रोना सा आ गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं से कूदकर अपनी जान दे दूं। पर क्यों? मेरे बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है, बस इतना ही काफी है इस जन्म में। हीरो साइकिल है मेरी, लगती है तू भी फरेरी, दूर का बदन है तेरा ओ जल जान। तेरे सपनों में खोके, बातों में तेरी होके, हम दोनों सेल्फी लेके, बार बार कहो तू मेरा हीरो। बाहों का हार हो, तू मेरे साथ हो, हर जगह बस प्यार हो तेरा ही हाँ। बाहों का हार हो, तू मेरे साथ हो, हर जगह बस प्यार हो तेरा, तेरा, तेरा ही हाँ। हीरो साइकिल है तेरी, लगती हूँ मैं भी फरेरी, तू ही मेरा सुपर हीरो।
मिले थे, शुरू हो गए तब सिलसिले थे, रेड इंक की पेन से तुमको लेटर लिखे। लाती रही मैंने पढ़ा है, दिल में बस तुझे रखा है, रंगों से प्यार भरा है बस तेरे। साइकिल पे चले डबल राइड ले, कहे है तुमसे मन ये बावरा, तेरी मेरी लव स्टोरी का ये सीन होगा बड़ा ही प्यारा। बाहों का हार हो, तू मेरे साथ हो, हर जगह बस प्यार हो तेरा ही चकोरी, नई नई सी है फिजा में खुशबू तेरी। तुम ही मेरी खुशी जहां में, तुमसे है मेरी सारी दुनिया, आज तुम्हारे संग में चलूंगी, आके थाम लूंगी। बाहों का हार हो, तू मेरे साथ हो, हर जगह बस प्यार हो तेरा ही। हीरो साइकिल है मेरी, लगती है तू भी फरेरी, दूर का बदन है तेरा ओ जल जा। When the ray of light traveling from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. But here what happens is, look at this. Here, this is the ray, this is the denser media. For a given pair of media and for a given wavelength of light, you know. Rachana! Yes, ma'am? मैं जब से देख रही हूँ, क्लास में ध्यान देने की बजाय तुम बाहर देख रही हो. Get out of my class. Okay. We were discussing about the Snell's law. I hope you remember that. L is equal to sin I by sin R, where L is nothing but... यहाँ पर भुजंगा का घर कौन सा है? भुजंगा? हाँ? वो उधर रहता है वहाँ। अरे भुजंगा, उनके हाथ टूट जाए, सांप डस ले उन्हें। मेरे बेटे को जिसने पीटा उसका कभी भला ना हो, मर जाए वो। इतनी जोर से मारा है मेरे बेटे को। आराम से मार, दर्द हो रहा है। सुअर कहीं का मेरा हाथ लग गया तो मैं उसकी चटनी चटनी बना डालूंगी, बस वो मिले तो मुझे। भुजंगा क्या है भुजंगा? ये सब क्या है? रचू, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सब क्या है? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अरे वो सब मैं बताता हूँ, लेकिन तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? मेरी साड़ी छोड़, मेरी साड़ी क्यों खींच रहा है बोल? घर किसने दिखाया तुम्हें? मैं ढूंढती हुई आ गई। तुम तो सुबह कॉलेज के पास ही नहीं आए और एक फोन भी नहीं किया। मैंने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। लेकिन ये सब क्या है?
चोरी की और पकड़े गए ना? पकड़े जाना, वो तो भुजंगा की हिस्ट्री में है ही नहीं। तो फिर यार अब तुम्हें क्या बताऊं मैं? कल तुमसे बात करके जब मैं घर पर आया ना, तो माँ बोली कि पुलिस मेरे बारे में पूछ रही थी। ये तो बड़े कर्जदार हो गए, इसलिए मैंने सोचा चलो पुलिस स्टेशन जाता हूँ और देख कर आता हूँ। ए, कहाँ है तुम्हारा साहब? घर पर पुलिस क्यों भेजा था? मेरी माँ बहुत टेंशन में आ गई थी, हम क्या भाग जाएंगे क्या? आजकल इश्क में पड़ गया तो एक दो दिन से चोरी भी नहीं की है, इसलिए इधर आ ही नहीं पाया मैं। मैंने कभी तुम्हारा उधार रखा है क्या? हमेशा 50-50 चुका कर ही जाता हूँ तुम लोगों को। तुम्हारी तो आप कौन हो सर? हमारा राणा का है। ट्रांसफर हो गया उनका, उनकी जगह पे ये नए साहब आए हैं। चुपचाप खड़े होकर बात करो इनसे। अरे छोड़िए सर, वही खाकी वही कुर्सी, कोई सामने से लेता है कोई पीछे से लेता है। ऐसा तो बहुत देखा है मैंने। तूने खाकी पहने हुए बहुतों को देखा होगा, पर मेरे जैसों को कभी नहीं देखा होगा। क्रिमिनल से मुझे एलर्जी है। समाज को बिगाड़ने वाले वो लोग मुझे एक आंख नहीं सुहाते। किसी भी फसल को बड़ा करने से पहले कीड़े और मकोड़ों को निकाल कर फेंकना होता है। गंगा भी डूबने से पहले 3 मौके जरूर देती है, पर ये गंगाधर एक ही चांस देता है। सुधर जाओगे तो लाइफ है, मनमानी करोगे तो डेथ है, और तुम्हारी जान मेरे एक बुलेट में है। एक क्लियर करने से पहले डिसाइड कर लो। वो कोई सर फिरा लगता है रच्चू, सबको जेल में डालकर पीट रहा है। तुम अब से चोरी मत करना भुजी, पहले जाकर डॉक्टर को दिखाओ। जब तक तुम्हारा असर पड़ा है ना, ये किसी काम का नहीं रहा। एक हफ्ते से हमारे पेट की लॉटरी लगी हुई है, अस्पताल जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? ए, इन चूड़ियों को बेचकर पहले डॉक्टर के पास जाओ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रचू? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, 4 दिन गर्म सिकाई करूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो, पहले तुम अपनी चूड़ी पहन लो। ए, दे इधर, हाथ में पहनेगी तो पैसा कहाँ से आएगा इधर? माँ, उसकी चूड़ी उसे वापस करो। ए, एक हफ्ता हो गया, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, समझा? जुबान से बोली निकलने भी बंद हो गई है, तू ऐसे ही खड़ा रहे। मेरी बहू, मेरी रानी। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तूने तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पकड़ी है। चुपचाप उसे उसकी चूड़ी वापस करो। क्यों? नहीं तो तुझे क्या करेगा? इस पत्थर से तेरा सर फोड़ दूंगा। चूड़ी वापस कर उसे, चूड़ी वापस कर, फोड़ दूंगा तेरा सर मैं, फोड़ दूंगा। चूड़ी वापस कर, चूड़ी वापस कर, उसको चूड़ी वापस करो, चूड़ी वापस कर, नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा। ए बुढ़िया, रोक रोक बुढ़िया। सर बिल, सर ये क्या है, 1100 रुपए का बिल? अबे बिल बहुत कम है, सिटी होता तो 5000 का फटका लगता। अब इस बिल का क्या करोगे? क्या करना है, तैयार हो जा। इसलिए हाथ में झाड़ू देंगे बाथरूम साफ करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था ना कि आज एक दिन एडजस्ट कर लेना। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बस चड्डी एडजस्ट करनी है। तो क्या मैं अपनी चेन को बेच दूं? मैं जानता हूं कि तूने इसे चोर बाजार से खरीदा था। ठीक है छोड़। मेरा व्यापार खराब हो जाएगा। व्यापार? मेरे कस्टमर भाग जाएंगे साहब। प्लीज आप बिल भी मत दीजिएगा। ये देखो टकले को बिल की बात कर रहा है। अरे हेल्प, कहां से लाऊंगा रे? देख भाई,
सब उसकी तरफ देख रहे हैं, चल यहाँ से निकल लेते हैं। अबे सुन, पैसा चुराना सोना चुराना, लेकिन खाना कभी मत चुराना। आ मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बुड्ढे, तू लोगों के सियाद के साथ खेलवा। कब से देख रहा हूँ तुझे, फटे साउंड बॉक्स की तरह चिल्ला रहा है तू। उसके प्लेट में 2 किलो चिकन साफ हो चुका है, इसके प्लेट में 5 किलो मटन साफ हो चुका है, और यहाँ पर तो 500 ग्राम मछली साफ हो गई है। बकरी मरे तो खाएगा, मुर्गी मरे तो खाएगा, मछली मरेगी तो खाएगा। 5 ग्राम के कॉकरोच के लिए तू इतना नौटंकी कर रहा है? बताऊं सच उसको? हाँ, बता दूं सच सबको? हाँ, तेरी तो भाग गया। कौन है उसको? मार डालूंगा। गया वो। लोग बिना पैसे के खाना खाने के लिए कुछ भी कहानी बनाते हैं। ऐसे लोगों को अंदर ले जाकर चक्की पिसानी चाहिए सर, वो भी जेल में, है ना? चक्की पिसवानी चाहिए, चक्की पिसवानी चाहिए सर। ए भाई, इनको अपना बिल दे दे यार। हाँ, क्या बोला? हाँ? क्या बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे होटल की इज्जत बची है, तुमसे बिल कैसे ले सकता हूँ मैं? बाकी तुम्हें कुछ चाहिए तो होटल से पार्सल करा के ले जाओ। होटल में जो भी है सब दो दो प्लेट पार्सल कर दो। दो दो प्लेट पार्सल। थैंक यू भैया, थैंक यू, मैं आपको कभी भूलूंगा। रचू कैसी हो? होटल से खाना पार्सल कर रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मटन, चिकन, फिश, बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? जाओगे तो लाइफ है, मनमानी करोगे तो मौत मिलेगी। अगर कमाने वाला मर्द ही ऐसे घर में बैठ जाए और चिकन, मटन, दाल, चावल मांगे तो क्या आसमान से गिरेगा? पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई वो चुड़ैल। अच्छा खासा कमाता था, इसको भी बर्बाद करके रख दिया उसने। किसी कुत्ते ने काट लिया हो ऐसी शक्ल बनाकर रखी है इसने। सुअर कहीं का, ए थू, मजनू कहीं का। कब से देख रहा हूँ तुझे, बके जा रही है, बके जा रही है। तेरी तो सर फोड़ डालूंगा तेरा मैं। छोड़ना यार। ए, तू छोड़ दे इसे, ये जिस तरह से बर्ताव कर रहा है ना, अच्छा है कि मुझे मार ही डाले। देख तो कितना बकवास कर रही है ये। मैं यहाँ कब से उदास बैठा हूँ, मेरे प्यार से ज्यादा इसे अपना पेट पालना जरूरी है। और नहीं तो क्या रे, 4 दिन से खाना नहीं खाया है, शादी की तो पति अच्छा नहीं निकला, घर में कभी खुशी नहीं देखी, अब तो मेरे पास तू ही एक सहारा है रे। अगर तुझे कुछ हो गया उस इश्विश के चक्कर में पड़कर तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाकर मरूंगी, यह तो बता दे। तुझे सिर्फ मैं बोलती हूँ वो दिखाई देता है। अरे मैंने पैदा किया है तुझे, अगर तू औरत होता ना तब तुझे पता चलता। चल जाने दे। देखो चाची, रो मत चाची। भाई ले पकड़, दम मार, टेंशन कम हो जाएगी। ए क्या बात कर रहा है तू, मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया तुझे पता नहीं? ए भाई, जब वो तेरी जिंदगी में ही नहीं रही तो बीड़ी क्यों छोड़ रहा है? मैंने उस दिन समझाया था कि वो हाईटेक है, उसके पीछे मत पड़, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। एक मारूंगा ना तुझे, मैंने उसे अपना दिल दिया है, वो मेरी है, रचना सिर्फ मेरी रहेगी। अगर भगवान भी आकर बोलेंगे ना तो भी मैं उसे किसी को नहीं देने वाला। ओए भाई,
उसके बाप को हटाकर उसकी लड़की को तो हम कैसे भी ला सकते थे, पर वो इंस्पेक्टर है ना, खतरनाक है, चोरी करने वाले का भी एनकाउंटर कर देता है, ऊपर से तो उसकी मंगेतर को उठाने की बात कर रहा है, पागल कहीं का। वो होता कौन है उसे एंगेजमेंट करने वाला? रच्छू सिर्फ मेरी है, उसके रिंग पहनाने से पहले मैंने उसे अपना दिल दे दिया था, रिंग को निकालकर फेंका जा सकता है, दिल को निकालकर फेंका नहीं जा सकता है, समझा? उसके पास अगर गन है तो मेरे पास मेरा सच्चा लव, अब गन हो या लव देख ही लेंगे। भाई भाई मेरी बात सुन, भाई मेरी बात सुन, भाई अंदर चलो। नहीं पापा मैं कॉलेज। तू कॉलेज में जाकर क्या रंग दिखाती है मुझे पता है, चुपचाप अंदर चल। नहीं पापा मुझे कॉलेज। बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों बेचारी को बिना मतलब मार रहे हो? बेचारी नहीं है ये, बर्बादी है, कॉलेज जाना है इसको, कॉलेज, ये कॉलेज नहीं जा रही है, उस चोर के साथ भाग के जा रही है। बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। तू तो रात को खुसुर खुसुर करके किसी से बात कर रही थी, वो क्या काम था? तू तो खानदान की रीत निभा रही है। जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी उसी दिन कैसे पीछा छुड़ाना है सोच लिया था। जिस दिन वो हमारी बाइक को फॉलो कर रहा था तभी मन किया कि हाथ पैर तोड़ दूं। किसी को पता चला तो हमारा कितना अपमान होगा, इसीलिए चुपचाप घर में बैठकर तुम्हारी शादी फिक्स की है। शादी वादी कर ले और अपने पति के साथ संसार बसर कर, समझी? ज्यादा मच मच करेगी तो तेरे आशिक के साथ तेरा भी एनकाउंटर कर देगा तेरा पति। देख क्या रही हो, फोन ले लो इसका, लैंडलाइन डिस्कनेक्ट करो। भैया सभी लोग कान खोल कर सुन लो, शादी होने तक इसके हाथ फोन नहीं लगना चाहिए, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो सबको आग लगा दूंगा। जाओ सब यहाँ से, नालायक कहीं की। इतनी रात को कहाँ जा रहा है रे? रच्छू को भगाने के लिए। बेटा बेटा ऐसा मत कर बेटा, वो लोग पैसे वाले हैं, उनके पास ताकत है, कुछ भी करने से पहले सोचेंगे नहीं। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बेटा मत जा, बेटा मत जा। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, बस यही चीज मांग रहा हूँ मैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ रच्छू चाहिए माँ। वो किसी और के साथ शादी करके अपना घर बसा ले, ये देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ माँ, जो भी हो अब देखा जाएगा। मैं प्यार करता हूँ रच्छू से, मैं रच्छू को भगा कर ले जाऊंगा। बसवा, ये बसवा। आता हूँ भाई। चुपचाप सो जा, क्या है आवाज सुनते ही भागा जा रहा है उसके पास। सुन ले, अगर तू यहाँ से उठ के गया ना तो छाती पे पैर रख के मार डालूंगी। चुपचाप यहाँ सो जा, चल। क्या है रे? कहाँ है वो? सो रहा है वो। उठा उसे। क्यों? रच्छू को उठा कर लाना है, बोलो उसे आने के लिए। क्यों रे? ले देकर एक बेटा है, उसे भी मारना चाहता है तू? वो पुलिस वाला। हाँ वो पुलिस वाला, तुझे अच्छे से नहीं धोया क्या? अरे उसे ठीक होने में एक महीना लग गया है, और ऊपर से तुम उसे उठाने की बात कर रहे हो यहाँ आके। सोचो क्या करेगा तेरे साथ। ए चुपचाप अपने घर जाके सो जा, बड़ा आया प्यार करने वाला, प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गया। वो आएगा कि नहीं आएगा बता। ए मेरा हाथ छोड़, मेरा बेटा नहीं आएगा, कल से वो एक नौकरी पे जाने वाला है, उसके आसपास भी नजर मत आना। तुझे तो एक खींच के लगा हुआ,
मुझे उसके आसपास आने का कोई शौक नहीं है। तेरा बेटा जब बेकार घूम रहा था उसको काम दिलाने के लिए तू ही मुझे बोला करती थी। शाम के समय दारू और चिकन खाने के लिए तो भुजंगा ही चाहिए, लेकिन उसके दुख में नहीं चाहिए। ए, तू कहीं भी जा, मुझे मेरे उससे दुख क्या? में मेरा दोस्त नहीं आएगा क्या? ये देखो तो कहीं गाय ने बच्चा बच्चा तो नहीं दिया। अरे गाय को पेट से हुए एक महीना नहीं हुआ, अभी कहाँ से पैदा करेगी। चुपचाप सो जा माँ। हर बात इन्हें मजाक लगती है। जाओ जो करना है करो, मुझे क्या, मैं तो सोती आगे तक ड्रॉप कर दीजिए। बैठ जाओ। थैंक यू। तुम अकेले क्यों बाहर है? मुझे हमारे घर वाले हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। मुझे यहाँ से ले चलो बुजी। जहाँ कोई ना हो ऐसी जगह ले जाऊंगा तुम्हें। प्रीत की डोर से मैंने बांधा है दिल तुझसे।
जाए दुनिया फिर भी न टूटेंगे ये धागे। जग ना समझा है ना समझेगा प्यार की बातें, इसने हमेशा ही लगाए है पहरे दिल पे हम जैसों के। प्रीत की डोर से मैंने बांधा है दिल तुझ संग हारे। दुश्मन हो जाए दुनिया फिर भी न टूटेंगे ये धागे। कैसी है ये कैसी घड़ी जिंदगी तू कहाँ खड़ी, तेरी ही आस में तड़प रहा तू क्यों है दूर खड़ी। हर पल जीना तेरे बिन मुश्किल है, कुछ बिन लग है ऐसे तन में प्राण ना शामिल है। जी रहा हूँ तेरे बिन तुझे मिलने की एक आस में, पास मेरे सब कुछ यहाँ तेरी कमी है। कहीं वो दूसरे के साथ सेटिंग करके भाग तो नहीं गई बॉस? कितनी बार तूने कहा कि अपने लोहे की जुबान से अपशगुन वाली बात मत किया कर। एक बार तूने ऐसा ही बोला था, मुझे लव करने वाले नहीं था, मुझसे लाइन काट कर चली गई। उसके बाद तूने फिर अपने लोहे की जुबान से कुछ कहा था तो मेरी बीबी मुझे छोड़कर पड़ोसी के साथ भाग गई। समझा क्या है? अब कुछ मत बोलना नहीं तो तेरी लोहे की जुबान बाहर खींच लूंगा। कहाँ? उधर बॉस। किधर है? देख 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 देख
सुंदर लग रही है, कैटरीना कैफ से भी हॉट लग रही है रे। आज तो कुछ गड़बड़ होकर रहेगा। वेलकम वेलकम, कम ऑन। यस, तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त करके तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वाई लेट, नो प्रॉब्लम, प्लीज वेलकम, सिट डाउन, थैंक यू। इट्स ओके, सॉरी बॉस। यस ओके, व्हाट यू लाइक टू हैव? व्हिस्की, डैंडी, जिन, बियर, वोदका, रम। अरे रम, अरे बाप रे, अबे कहाँ फंस गया? थोड़ा लोकल नहीं लगता है? बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, घोड़ों को भी वही पिलाते हैं। घोड़ा है बॉस, अरबी घोड़ा लगता है यार। आज कैसे भी इसे पटाके ही रहूंगा। यस, मेरे लिए व्हिस्की और मैडम के लिए रम। इतने दिन हो गए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने सोचा कि पहले लव, उसके बाद परिवार का झमेला, इसीलिए तो अब मेरा ही काम, मेरे ही लोग, मेरा ही पैसा, सब इश्क करने का मन कर रहा है मुझे। और तुम मिल गई, तो अगर तुम हाँ बोलो तो अभी इसी वक्त सब कुछ अरेंज कर दूंगा। किसको? रूम को। मेरा मतलब है कि शादी करने का अरेंजमेंट कर दूंगा, ऐसा बोल रहा है। रोबो। यस बॉस। घोड़ा अभी अभी तैयार हुआ है, इसलिए उसकी पूंछ उठाकर उसे मत देख, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझा तू? रोबो। हाँ? यस। प्लीज हैव इट, योर रम। थैंक यू। या दिस इज माय व्हिस्की। ओके, चीयर्स। चीयर्स। एक्सक्यूज मी बॉस। ओके, नो प्रॉब्लम, हैव इट बॉस। Yes, this is your chicken and this is my chicken. Yes, cheers. Excuse me, boss. आप खा सकते हैं। ओके बॉस। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, हर बार ये आपके पीने से पहले खुद ही पी लेता है, और आपके खाने से पहले ये खुद खा लेता है। देखिए, दरअसल हम लोग अंडरवर्ल्ड के बिजनेस में हैं। हमारा कौन दुश्मन होगा, कहाँ मार सकता है, किस तरह मार सकता है, वो हमें पता नहीं रहता है। कहीं भी मार सकता है, रूम में मार सकता है, घर पे मार सकता है, वैन में मार सकता है, गाड़ी में मार सकता है, होटल में मार सकता है, टॉयलेट में मार सकता है, रोड पे मार सकता है, खाने में मार सकता है, बियर पीने में मार सकता है, इसीलिए सब ध्यान रखना पड़ता है। बट इट्स ओके, हम अपनी बात पर आते हैं। कौन सी बात? नॉटी। हम अपने प्यार की बात पर आते हैं। बोलने से प्यार हो जाता है क्या? मतलब यू लव मी ना? मेरी जिंदगी सफल हो गई। रोबो, चल किसा क्या से? हे बेबी, गिव मी वन लव किस। एक्सक्यूज मी बॉस, वन मिनट। ये क्या कर रहा है रोबो? मेरी आइटम है, अरे प्रेम का शीश माल मैंने खड़ा किया और तू विलन की तरह आकर लूट लिया रे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों बॉस, मैंने क्या किया? मैं सब कुछ कर लिया, अब क्या बाकी रह गया? मेरी लवर को तूने किस कर लिया और क्या किया? बॉस, इट्स माय ड्यूटी। आपने क्या बोला था? कोई भी चीज आपके टेस्ट करने से पहले मैं टेस्ट करूंगा बोला था ना? I have done my duty. It is very tasty. You can carry on. मैं शादी करूंगा तो सुहाग रात के दिन पहले तू टेस्ट करेगा, उसके बाद मैं जाऊंगा क्या? Of course. तेरी जात का रोबो। मम्मी, 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 मम्मी। क्या लोहे की औलाद? I'm sorry, sorry baby, sorry my sweetheart. हेलो। हेलो बसवा, मैं रचना बोल रही हूँ। क्यों, तेरे बाप ने कोई कसर छोड़ दी थी क्या? ओह नो, नहीं बसवा भाई, प्लीज तुरंत भुजंगा को फोन दीजिए। चुप
चुपचाप फोन रख। जैसे तैसे तो वो जिंदा बचा है। तुमने उसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी का कचरा कर दिया है। हालत देखिए उसकी, इतना बुरा मारा है ना तुम्हारे बाप ने, उसमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है। ऐसे मारता है कोई किसी को? कई लोगों की जान तो चिकन मटन की जान से भी कम हो गई है क्या उन लोगों के लिए? प्यार से ज्यादा पैसा जरूरी है ना उन लोगों के लिए। जब देखो पैसा 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 करते रहते हैं, पैसों को साथ लेकर मर जाए बोलो उन्हें। प्लीज बसवा भाई ऐसे मत बोलो, कल मेरी शादी है। बुज्जी को बोलो कि वो कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले जाए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे तुम जैसे लोग कहाँ मरोगे, गले में मंगलसूत्र पहनकर सुहाग रात मनाकर सुबह पूजा करके सर पर घूंघट डालकर अपने पति के नाम का व्रत रखकर मैं भली मेरा पति भला बोलकर सब खुश रहे करके प्रार्थना करने वाले हो तुम लोग। और दूसरी तरफ दाढ़ी बढ़ाकर दारू पीकर किसी टीवी न्यूज चैनल में या किसी अखबार में जगह बनाकर मरने वाली खबर में आने वाले हम लोग हैं। रखो फोन। नहीं बस भाई, बढ़िया ही फोन करने वाली। हेलो, मरेगी बोलती। किसका फोन था? और किसका, उसी का, रच्चू का। हाँ क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि आकर ले जाओ उसे वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने बोला मर जा तेरी तो। फोन आया तो मुझे क्यों नहीं दिया तूने? मैंने क्या गलत बोला? कुछ मत बोल। रच्चे बेटा मेरा फोन छूट गया, जरा देना। हाँ अभी देती हूँ। उसके एक फोन के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। चल फोन दे मुझे। रचना ने मेरे फोन से उसे फोन किया है, वो सुअर यहाँ जरूर आएगा। सबको बोल दो सतर्क रहें, अगर वो यहाँ आया तो उसके टुकड़े टुकड़े काट कर यहीं समाधि बना देंगे उसकी। आप टेंशन मत लीजिए भैया, उस सुअर को तो हम यहीं देख लेंगे। हे, हमारी इज्जत का सवाल है, अगर ये बात किसी को पता चली तो इज्जत नीलाम हो जाएगी। देखो एक काम करो, घर के आसपास पुलिस को खड़ा कर दो, वो कहीं भी दिखाई दे तो उसका सर फोड़ दो। आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा। चल 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 चल। बोल भाई। लाइट्स ऑफ कर दे बसवा। सब ठीक है ना? ओके। अरे भाई जमाई को क्या देना सोचा क्या? अरे लाइट को क्या हुआ? रचो, ए रचो, रचो, रचो उठ, देख मैं आ गया, तेरा भुजंग आ गया। उठो ना रचो, रचो देखो मैं आ गया हूँ। रचू उठो ना, उठो रचू, तुम्हारा भुजंग आ गया, देखो। राजा, राजा, छोड़ बुढ़िया छोड़। तुम वहाँ कुछ हुआ है? आओ देखते हैं। किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे, पहले तुम इसे यहाँ से ले जाओ जल्दी। माँ मेरी बेटी का ख्याल रखना। क्या हुआ माँ? सासू माँ, सासू माँ।
मुझे माफ कर दीजिए सबसे। माँ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ माँ? हाँ देखिए तो। माँ क्या हुआ जाइए? माँ, माँ क्या हुआ? माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? अरे हुआ क्या तुम्हें? अरे माँ को क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रही है माँ? नहीं जी, जब मैं आई तो सासू माँ यहाँ गिरी हुई थी। अरे तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं? माँ, माँ क्या हुआ माँ? रचना यही सो रही थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो चोर की औलाद यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। देती है। रच्चू अब तो उठ जाओ रच्चू, घोड़े बेचकर सोने वाले को कौन सा सुख मिलता है आज दिख रहा है मुझे। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें यहाँ उठाकर ले आया हूँ और कुंभकर्ण की तरह तुम आराम से यहाँ सोई पड़ी हो। तुम कुंभकर्ण की जाति से हो क्या? यहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ये ऊंचे पहाड़, जंगल, ये रात, ये चांद, हमारा प्यार, इश्क, तुम और मैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही। करो ना जाने कहीं ना दूँ, मेरे
बसी है मुझ में तेरी खुशबू है जान रे, मेरा दिल ये खाए मन में समाए तेरी सब बातें रे। ख्वाब दे मुझे अपना नाम दे, मुझ पे तू वार दे, अपनी सब प्रीते सब रीते प्यार के रंगों की छीते। तेरे ख्वाबों को रंग दूं आ मैं अपने रंग में, जगह चले जहाँ प्यार ही प्यार रहे, हम तुम जो संग में हो वहाँ प्यार की बरसा हो। मेरा ये दिल बस ये बोले, तेरी हर धड़कन की धुन पे ये डोले। आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अगर पता होता तो एक ही बुलेट में काम हो जाता। मेरी बेटी ने ऐसा काम किया ये सुनकर कहीं आप शादी के लिए मना न कर दें इसलिए डर रहा था, इसी वजह से नहीं बताया था। माँ जी गलती हो गई, उससे छोटी बच्ची है, आपसे शादी हो जाएगी तो घर गृहस्थी में रहकर समझदार हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया। बात इतने बड़े की अंदाजा नहीं था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। उसे कैसे भी करके वापस लाइए, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मान मर्यादा की बात करते हो, घर में इतने लोग हैं लेकिन एक जवान लड़की का कैसे ध्यान रखते हैं नहीं पता। इश्क करके भाग गई तब तक उसका मुंह देखते रहे, आफ्टर ऑल वो एक चोर है। शादी के घर से दुल्हन को उठा कर ले गया और आप तब तक वेट करते रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मुझे बड़ी करके घूमते रहना, जाकर मुड़वा लीजिए। देखो कितना सुंदर नजारा है। रचू रचू उठो ना, उठो ना रचू। पानी, ये रचू पानी। पानी मैं अभी लाता हूं। जी, तू
बोलो ना बच्चू, क्या हुआ? तुम आ गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, इसीलिए मैंने जहर पी लिया था। बुजी बच्चू, ये क्या कर दिया तुमने? बच्चू ये क्या कर दिया तुमने? बुजी बुजी मुझे बचा लो बुजी, मुझे मरना नहीं है बुजी, मुझे मुझे अब मैं क्या करूं बच्चू, मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर आ गया, ऊपर से बाइक भी खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? मुझे बचा लोगे ना बुजी? हाँ रचू, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत रचू, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा तुम्हें, मैं डॉक्टर को अभी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं बच जाना, यहीं पर रहना, आराम कर, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, अभी लेकर आ रहा हूँ। के बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा, घर पे जाके दवाई खाना, ठीक है? आप इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, मेरी रच्चू को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, रच्चू को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ भुजंगा, क्या हुआ? जहर खा लिया था मुझे। ऐसी हालत में तुम उसे अकेले छोड़कर आए हो, वेरी बैड, चलो चलो कम ऑन चलो। रचना कहाँ है? ऑफिसर, रचना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, अभी उसकी जिंदगी बचानी बहुत जरूरी है, वो कहाँ है सिर्फ इसे पता है, अभी हमें जाने दीजिए। मौका देने वाला क्या तू कोई भगवान है? अगर जिंदगी देने की ताकत नहीं है तुझे, तो जिंदगी लेने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है। गलत करने वालों को खत्म कर दूंगा, सोचोगे तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। खाकी पहनने वाले सभी भगवान नहीं होते और ना ही चोरी करने वाला हर कोई राक्षस। तेरे पास अच्छा बैकग्राउंड है इसलिए तू खाकी पहनता है, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं चोरी करता हूँ। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पल पल जो ठोकरें हम खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं।
तेरी गन अब मेरे हाथ में है और तेरी जिंदगी भी मेरे हाथों में है। चलाओ गोली, गोली चलाओ। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह यहाँ जिंदगी लेने नहीं आया, जिंदगी बचाने आया हूँ। चले डॉक्टर, कम ऑन कम ऑन, क्विक क्विक। कंट्रोल रूम। रचू रचू आगे खोलो रचू, मैं आ गया रचू, डॉक्टर भी आ गया रचू, रचू 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 डॉक्टर। एक मिनट है, जंगा जाओ पानी लेकर। बहुत ही माइनर पेस्टिसाइड पिया था, इसलिए इनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। इन्हें पहले यहाँ से ले जाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा, ट्रीटमेंट करवा। सबसे जरूरी ये है कि इस वक्त इन्हें एनर्जी की जरूरत है। ये रख लो, भगवान तुम दोनों का हमेशा भला करे। आप मेरे लिए भगवान समान है डॉक्टर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। मुसीबत में मदद करने के लिए भगवान होना ही जरूरी नहीं है, इंसान होना ही काफी है। एक इंसान की सहायता के लिए दूसरा इंसान ही काफी है। देखो वो लोग यहाँ आए इससे पहले तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वो यहाँ आ गए तो तुम्हें मार डालेंगे। अब जाओ यहाँ से। सर पर आप? मैं तो कैसे भी चला जाऊंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। गॉड ब्लेस यू। अब हम कहाँ जा रहे हैं? दूर, कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हारे पापा, मेरी माँ, वो पुलिस वाला, इतनी दूर की किसी को नजर ना। तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, और कोई तीसरा हमें नहीं चाहिए। नहीं।
इतने लोगों को मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। मेरी रच्चू को तुमने जन्म दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? हाँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरी गलती है। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा नहीं पाए, ये मेरी गलती है। मेरे दादा परदादा करोड़ों की जायदाद नहीं छोड़ कर गए, ये मेरी गलती है। ये सब गलत नहीं है। तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, ये गलत है। क्या गलत है, क्या गलत है बोलो? किडनैप करो तो गलत है, रेप करो तो गलत है, दंगा करो तो गलत है, लेकिन प्यार करना कैसे गलत है? प्यार करने के लिए हैसियत होनी चाहिए। कैसी हैसियत? क्यों गरीब लोग प्यार नहीं करते क्या? या सुख से नहीं रहते, या संसार नहीं बसाते? कार बंगला पैसा अधिकार, अगर इन सब से ही जिंदगी चलती है तो अमीर लोग झगड़े नहीं करते, डिवोर्स नहीं लेते, आत्महत्या नहीं करते और दूसरों के साथ भागते भी नहीं। हैसियत मतलब बहुत सारा पैसा नहीं होता, प्यार होता है। यहाँ से होना चाहिए। मैंने रचना को यहाँ जगह दी है। मैं अगर मर भी जाऊं तो भी रचना मेरे दिल में ही रहेगी। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा हमारे बीच आने की कोशिश की ना तो हार चढ़ाएंगे लोग तुम्हारी तस्वीर पर। ये दामाद जी, मार कर इसे यही जमीन में गाड़ दीजिए। उसकी लाश के सामने अपनी बेटी से आपकी शादी करवाऊंगा। खत्म कर दीजिए उसे। नहीं, 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 मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं। सबसे बड़ा उछल कूद कर रहा था, प्लीज, अब उछल के दिखा। मार डालिए इसे। मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। बेटी कहते हो? बेटी, बीवी के मरते ही दूध पीती बच्ची को उसकी नानी के पास छोड़कर दूसरी शादी करके हनीमून के लिए चले गए थे। बेटी बोलने का क्या हक है आपको? क्या कभी एक दिन गोद में उठाया है, साथ में खेले हैं, कभी प्यार किया है? क्या कभी अपने हाथों से खाना खिलाया है? हर लड़की की जिंदगी में उसके पापा ही उसके पहले हीरो होते हैं, लेकिन आप विलन हो। अब बाप होने का हक जताने आए हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे सामने जुबान चलाती है। दामाद जी, छोड़ इसको। उसे शूट करने वाले थे, लेकिन आप तो शूट मुझे उसे नहीं करना है, तुझे करना है। एक जवान लड़की पे हाथ उठाया, ये तुम्हारी पहली गलती है। प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की, ये दूसरी गलती है। बेटी के प्यार की बात छुपाकर मेरे से शादी कराने की कोशिश की, ये तीसरी गलती। तुम्हारी इन तीनों गलतियों के लिए अभी तक मैंने तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया। लेकिन लाइफ में पहली बार जिंदगी की क्या कीमत होती है ये मुझे इसने समझाया, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। तुम भी इन्हें छोड़ दो। क्राइम से मुझे एलर्जी है, प्यार से नहीं। मैं क्रिमिनल से नफरत करता हूं, लवर से नहीं। आई अप्रिशिएट टू बडी, जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी मर्जी से जियो, लेकिन आज के बाद कभी चोरी मत करना, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां क्राइम नहीं होता। हाँ सर, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। ओके, गुड, जाओ तुम लोग। चलो। भाग दिए मेरा अब तो हो गया है तेरा, तेरी ही धुन में पागल हो गया है जाने जा। फीलिंग है ये कैसी, दिल के संग झूमू नाचू, मेरी ना सुने है ये, इसमें बसी तू ही तू। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। गिर 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 गिरी तू बन गए, घटाए दिल पे बिजली सी बोले, दिल मेरा डोले। हाँ ये मेरा अब तो हो गया है तेरा,
तेरी ही धुन में पागल हो गया है जाने जा। होश नहीं है मुझे तेरे ही ख्वाबों में रहूं, कोई तो मुझे संभालो कहीं मैं ये ना जाऊं। चलता हूँ दर्शन में किसी लड़की को जो देखूं, भूल जाता हूँ सब कुछ याद मुझे आए तू।